बीमारियां कब से बढ़ी? जब से जमीन पर चटाई बिछाकर सोना छोड़ा और जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर पलंग पर नरम गद्दे बिछाकर सोना शुरू किया, उसी दिन से बीमारियां बढ़ी। जब से हमारी माओं ने बनाई हुई रोटी पर भरोसा ना करके विदेशियों की बनाई हुई ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स पर भरोसा करके खाना शुरू किया, उस दिन से बीमारियां बढ़ी। जब से 4 दीवारी के अंदर एसी, कमरों में मोटे मोटे पर्दे लगाकर रहने का चलन बढ़ा और आंगन में खुली हवाओं में बैठना बंद किया, तब से बीमारियां बढ़ी। जब से मेहनत करना छोड़ा और सारा काम बटनों से, साधनों से, मशीनों से करना शुरू किया, तब से बीमारियां बढ़ी। जब से भगवान के यानी प्रकृति के पैदा किए फल, सब्जी, अनाज पर भरोसा करना छोड़ा और इंसान के निर्माण की चीजों पर जैसे कि सूप, तैयार आटा, तैयार पापड़ मसाले विश्वास किया, उस दिन से बीमारियां बढ़ी। आंवला अमृत फल है, बुढ़ापे को जवानी में बदल सकता है, उस ताजे आंवले का सेवन ना करके। आंवले द्वारा बनाई गई दवाइयां, च्यवनप्राश और मुरब्बा अचार खाया, तब से बीमारियां बढ़ी। जिस दिन से भारतीय परंपराओं का सम्मान करना छोड़ा और विदेशी संस्कृति अपनाई, उस दिन से बीमारियां बढ़ी। जब से जमीन पर लकड़ी के पाटे के ऊपर बैठकर खाना खाने से पाचन क्रिया सही रहती है, उसे छोड़कर टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना शुरू किया, तब से बीमारियां बढ़ी। जिस दिन से तांबा, मिट्टी, चांदी, पीतल एवं कांसे के बर्तन का प्रयोग बंद या कम हुआ और प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग बढ़ा, उस दिन से बीमारियां बढ़ी। प्रकृति को अपनाओ, बीमारियों को भगाओ, निरोगी जीवन पाओ। साथ में नाजुक अंगों को घायल कर रहा आपका कठोर व्यवहार, जैसे आमाशय घायल होता है जब आप प्रातःकाल अल्पाहार नहीं करते, किडनी घायल होती है जब आप 24 घंटे में 10 गिलास पानी नहीं पीते, पित्ताशय घायल होता है जब आप रात्रि 11 बजे तक सोते नहीं है और सूर्योदय से पूर्व जागते नहीं है, छोटी आंत घायल होती है जब आप ठंडा और बासी भोजन करते हैं, बड़ी आंत घायल जब होती है जब आप बहुत तला भुना और मसालेदार वाला भोजन करते हैं, फेफड़े घायल तब होते हैं जब आप सिगरेट और धुएं आदि से प्रदूषित वातावरण में सांस लेते हैं, लीवर घायल तब होता है जब आप बहुत भारी जंक फास्ट फूड खाते हैं, हृदय घायल तब होता है जब आप अपने भोजन में अधिक नमक और केमिकल रिफाइंड तेल खाते हैं, अग्नाशय घायल तब होता है जब आप मीठी चीजें ज्यादा मात्रा में खाते हैं क्योंकि वो स्वादिष्ट और सहज उपलब्ध है, आंखें घायल तब होती है जब आप कम प्रकाश में मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं, मस्तिष्क घायल जब होता है जब आप नकारात्मक सोचने लगते हैं, आत्मा तब घायल होती है जब आप नैतिकता के विरुद्ध काम करने लगते हैं।